पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 12 पिस्टल सहित 25 जिंदा कारतूस जब्त किए। खरगोन एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि बड़भा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग अवैध हथियार लेकर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर काटकूट फाटा से कार को पकड़ा, जिसमें एक महिला सहित 5 लोगों को हिरासत में लेकर तलाश की गई, तो उनके कब्जे से 12 पिस्टल सहित 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों से जब्त माल की कीमत 3,25,000 रुपये बताई जा रही है। वो तो कितना बना हुआ, इसका अलावा देखिए आप, इसके अंदर जो इसको कॉक करने के लिए जो है ना ये बना हुआ, ये इतना बारीकी से बना रखा है। आप इसका ग्रिप देखिए, ये देखिए सर, ये वाली जो हाथ की आने की लोहा घर क्या रहो, एक मिनट तुम तो विशाल हो गया छोटा, 25 है ये बस का बोला नहीं ना। हाँ नहीं सर, थोड़ा सा रात में रखे सर। आज बड़वा सब डिवीजन कि इस पुलिस टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया, और इस पूरी कार्रवाई में मुखबिर की जैसी सूचना मिली, एक स्थान जिसको काटकूट फाटा कहते हैं उससे आगे हमारी पुलिस टीम ने नाकाबंदी करके एक सफ़ेद कलर की अर्टिगा वाहन को रोका, और उसमें 5 व्यक्ति जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है, उनके कब्जे से कुल 12 कंट्री मेड फायर आर्म्स और 25 लाइव कारतूस बरामद किए हैं। इस प्रकार से ये कुल मसरू का फायर आर्म्स का 3,25,000 और एक 10 लाख लगभग कीमत की वाइट कलर की अर्टिगा कार इनके कब्जे से बरामद करी। इस प्रकार से अवैध फायर आर्म्स निर्माण विक्रय तस्करी से संबंधित एक और मामले का खुलासा एक माह में ही दूसरी बार खरगोन पुलिस ने बड़वा सब डिवीज़न में किया है, और ये खरगोन पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है। Thank you.